भाई कैसा लग रहा हूँ? भाई क्या लग रहा है भाई? एसआर के भाई, सल्लू भाई, अक्षय कुमार, रणवीर, विन डीजल, रॉक, ओबामा, जॉन अब्राहम, जॉन सीना, जॉनी डेप। भाई कैसा लग रहा हूँ? छी, क्या देख लिया सुबह सुबह? टट्टी लग रहा है, टट्टी। काला कौआ, कुत्ते शक्ल देख के उल्टी करना चालू कर जाए, ऐसी शक्ल है तेरी। निहायत ही वाहियात। आतंक का दूसरा नाम आकाश लग रहा है तू। बीड़ी के कारखाने के मजदूर के जेब से पैसे चुराने वाला लग रहा है। मच्छरों को मलेरिया हो जाए, अभी ऊपर वाले का तो ख्याल कर लिया होता, बेचारे का सोच लिया होता। जब भी तेरी शक्ल देखता है, अरे बोलते है, छी छी ये क्या बना दिया मैंने। प्रियंका को प्रपोज करने वाला था आज, इसमें मतलब इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। आकाश सुन, I'm so happy. Wow. I'm so lucky. कैसे? I mean, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, you know, कितनी कितनी well to do है। ओ अच्छा, तो तुम्हारा परिवार well to do है? नहीं नहीं हमारा परिवार तो भूखे नंगों का है, लोगों से भीख मांग मांग के तो हमने ये घर खड़ा किया है। What are you thinking? Nothing. So lucky you are. और खाना, मैं पापा को जिधर बोलती थी पापा मुझे उधर ही खाना खिलाते थे, चाहे वो KFC हो, Domino's हो या McDonald's हो। McDonald's? नहीं नहीं हमारा बाप तो हमें दूध और पाव खिलाता था भाई। औलाद का दर्जा तो हमें कभी मिला ही नहीं जिंदगी में, हम तो कुत्ते पैदा हुए थे ना। रोटी परोसी नहीं फेंकी जाती थी हम पे। What are you thinking? So lucky you are. और कपड़े, मेरी मां मुझे टॉप ब्रांड्स बनाती है, ओनली टॉप ब्रांड्स। हाँ हमने तो जिंदगी में अच्छे कपड़े देखे ही नहीं है भाई। हमारी माँ तो हमें गार्डन में नंगा छोड़ देती थी भाई, उधर ही गार्डन में लोट पोट के हमारा नंगा बदन घास से ढक जाता था भाई, तो फिर कपड़े क्यों पहने? सीरियसली यार, माय डैड इज बाहुबली। हमारा बाप तो जैसे कटप्पा था ना। What? Nothing. So lucky you are. चल भाई बता क्या खाएंगे? यार हर बार मैं ही बोलता हूँ यार। अच्छा तू बोलना, वो खाते हैं। अरे नहीं यार, अब तू बता क्या खाएंगे? नहीं यार तू बोलना क्या खाएंगे? मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो तू बोल वो हम खाएंगे ना यार। मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो तू बोल वो हम खाएंगे। सुन अभी मैं तुझसे एक सवाल करूंगा, ठीक है? उसका आंसर तू जो तू बोल ये नहीं बोल सकता, उसके अलावा जो बोलना बोला, ये नहीं बोलना जो तू बोल। पूछ मेरे को, बता भाई तू क्या खाएगा? जो तू खाएगा वो मैं खाऊंगा। भाई मेरे अपन यहाँ खाना खाना है कि जॉब की प्लेसमेंट करवाना है, मेरे को सिर्फ इतना बता तू क्या खाएगा? तू जो बोलेगा मेरी जान, तू जो बाजू वाला आदमी बैठा ना उसको भी खा जाऊंगा, तू बस बोल तू क्या खाएगा? जो तू उसको खाएगा मैं उसको खाऊंगा, जो तू खाएगा वही मैं खाऊंगा। भूल जा, सब भूल जा, ठीक है? जाने दे, सब जाने दे, ठीक है? मेरे को ये बता, इटालियन खाएगा? नहीं। चाइनीज खाएगा? नहीं। मेक्सिकन खाएगा? नहीं। अबे आदमी है कि ऑटो वाला, कभी तो हाँ बोल। हाँ हाँ क्या खाएगा? जो तू खाएगा वो मैं खाऊंगा। मेरे को बोल पंजाबी खाएगा? नहीं यार पंजाबी नहीं यार। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड गुजराती थी तो मुझे छोड़ के भाग गई। तो वो जिसके साथ भागी वो पंजाबी था ना? वाह समझता नहीं है यार। साउथ इंडियन? साउथ इंडियन नहीं यार। क्यों बे, तेरी गर्लफ्रेंड क्या साउथ इंडियन के साथ भी भागी थी क्या? नहीं यार, वो जहाँ भागे थे वो साउथ इंडिया था ना? समझता नहीं है यार। अच्छा तो बंगाली खाए? बंगाली नहीं यार, बंगाली नहीं यार। अभी क्या प्रॉब्लम है? अगर तेरी गर्लफ्रेंड बंगाली नहीं थी, वो बंगाल में नहीं भागी थी, वो बंगाली के साथ थी भागी थी, तो प्रॉब्लम क्या है? वो जिस ट्रेन से भागे थे वो बंगाल से आ रही थी ना। मेरे को खाना ही नहीं है। मैं देख यार फोन ऑफ करके बैठ गई है यार। पर हुआ क्या? अरे हर बार अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ मुझे कंपेयर करने लगेगी। अब वो वेला आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को ट्यूशन पिकअप ड्रॉप करने जाते हैं, इसमें मैं क्या करूं? व्हाइट यूनिफॉर्म सिलवा लूं? मैं नहीं हूं वेला। वो करता क्या है? जिम जाता है बस, पूरा दिन जिम। एक तो ये बंदे जो दो तीन बटन खुले रख के अपनी बॉडी दिखाते ना, मतलब जिंदगी से ऑलरेडी इतने शिकवे, ऊपर से लोग बॉडी देख के मोरल और डाउन हो जाता है। ऊपर से लड़कियों को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। वो प्रियंका है ना? हाँ। मैंने ना उसको एकदम स्टार्ट में पूछा था उसको कैसा लड़का चाहिए, बोलती है फवाद जैसी आईज हो, रणवीर जैसी मूछे हो, शाहरुख जैसी स्माइल हो, ऋतिक जैसी बॉडी हो। मैं सोच रहा हूँ बंदा चाहिए फिल्मफेयर अवार्ड, मतलब बंदा परफेक्ट होना चाहिए, चाहे फिर खुद की शक्ल भटूरे जैसी हो। कितने सारे सपने सजाए थे यार उसके साथ, दिन रात सुबह शाम यही बात करते थे कि कुत्ते पालेंगे कि बच्चे पालेंगे। वो कहती थी कुत्ते पालेंगे, मैं कहता था छोटे छोटे शायद पालेंगे। फिर क्या पाला? गलत फैमिली पाल ली कि प्यार जैसी कोई चीज भी हो सकती है। ये जो प्यार है ना, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, वो भी आखिरी के सीन तक के। उसके बाद की सच्चाई कोई नहीं बताता, उसकी बात की सच्चाई मैं बताता हूँ तेरे को। तुझे क्या लगता है मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर ने श्रीदेवी के साथ शादी की होगी? चांस ही नहीं है। जो आदमी एक मिनट में गायब हो सकता है ना, वो किसी एक औरत से कभी वफादार नहीं रहेगा। और उसके वैसे भी इतने सारे बच्चे थे, और बच्चे पैदा ही क्यों करता वो? मुकाम वो भी ऐसे ही खुश नहीं हुआ करता था, उसको पता था कि ठरकी मेरी जरूर सेटिंग करवाएगा। सल्लू बन जाऊंगा।
हाय गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितने लोगों के साथ हो सके इस वीडियो को शेयर करो। ऑल्सो 21 जून मार्क्स एज द ऑफिशियल 1 ईयर ऑफ सेव वाइन्स। Over 5,000 views, 116 subscribers. Thank you so much, guys, for all the love and support. It means the world to me. Thank you.